लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन आर लास्ट वीडियो अभी तक हमने देखा था कि कैसे डगलेस पूल में uh, फेंक दिया जाता है वो एक 18 ईयर ओल्ड से पूल में फेंकता है फिर हमने देखा जो उसका एक्सपीरियंस था वट ही फेस्ड वेल ही पूल को हिट करने वाला था उसने अपना एक्सपीरियंस तब का बताया कैसे उसके दिमाग में उसने प्लान करा कि वो ऊपर को जंप मारेगा ही वुड फ्लेल ही वुड पॉप अप एज एज कॉर्क लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उसका प्लान था प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ इनस्टेड वो धीरे धीरे ऊपर आया एंड अगेन उसका सिर्फ आईज और नोज तक वो बाहर निकल पाया बट उसका माउथ हो स्टिल इन साइड सो आफ्टर ऑल दिस है एंड करा था इस लाइन पर दैट ही स्टार्टेड आई है लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल तो ये थी उसकी लॉन्ग जर्नी बैक टू दूल मतलब अब सेकेंड टाइम पुल के अंदर दोबारा डाउन हो रहा था आई स्टक एट द वॉटर एट आई वेंट डाउन struck at the water so strike का मतलब होता है मारना किसी चीज को जोर से तो उसने पानी को बहुत जोर से अपने हाथ उसमें चलाया as i went down expanding my strength as one in a nightmare fights and irresistible force जैसे नाइटमेयर आपको पता है क्या होता है नाइटमेयर होता है एक बुरा सपना बहुत बुरा सपना ड्रीम होता है इट इज सपोज टू बी अ पॉजिटिव बट नाइटमेयर इज समथिंग विच इज नेगेटिव मतलब बहुत बुरा सपना उसे नाइटमेयर कहते हैं यूजली यू रिमेंबर योर नाइट मेयर आपको याद रहता है कि उस बुरे सपने में क्या हुआ था तो ऐसा ही कुछ वो यहाँ पे कुछ कंपेरिजन शो कर रहा है कि जैसे हम एक अपने बुरे सपने में अपने आप को बचाने के लिए जितनी एनर्जी लगाते हैं जितनी फोर्स लगाते हैं उतनी ही फोर्स उतनी ही फोर्स उसने लगाई इस इस पूरे सीन में उस पानी से पानी को मारने की मारने में जो यहाँ लिखा है आई स्ट्रक एट द वॉटर एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मे फाइट एंड इरेजिस्टेबल फोर्स वो जो इरेजिस्टेबल फोर्स होती है उसको फाइट करने के लिए डगलस ने बहुत जोर से अपने हाथ चलाया या उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा फिर वो बताता है आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ उसकी पूरी सांस रुक चुकी थी उसे वैसे भी वो पहले हमने देखा था कि वो कैसे चोक हो रहा था उसकी कैसे लंग्स पूरी तरह भर गई थी अब इस पॉइंट पे वो हमें बताता है आई हेड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ ना वो नाक से सांस ले पा रहा था ना वो मुंह से सांस ले पा रहा था माई लंग्स एक माई हार्ट थ्रॉब्ड आई वॉज गेटिंग डिजी अब यहाँ पे वो बताता है कैसे उसके बॉडी क्या क्या एक्सपीरियंस कर रही थी लंग्स एक लंग्स एक मतलब उसके लंग्स में बहुत दर्द हो रही थी हार्ट थ्रॉब्ड, थ्रॉब मतलब जकड़ गया था उसका दिल भी जकड़ गया था बहुत ज्यादा आई वॉज गेटिंग डिजी डिजी का मतलब होता है आप थोड़ा मतलब आपको प्यूकिंग फील हो रही है या आपको थोड़ी नींद आ रही है आप थोड़ा थोड़ा आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपकी बॉडी बो, थोड़ी डेड हो रही है का वो मतलब होता है, वाले वाले में जाने वाले हो। बॉटम ऑफ पूल एंड कम लाइक कॉक टू दर्फेस लेकिन दोबारा डगलस अपनी वही पुरानी स्ट्रैटेजी यूज कर, करने का प्लान करता है उसको अभी भी यही लगता है कि जैसे ही वो दोबारा से बॉटम ऑफ द पुल को हिट करेगा वो जोर से छलांग लगाएगा तो वो ऊपर स्प्रिंग की तरह ऊपर आकर वहां पर फ्लोट करने लग जाएगा सरफेस पर आई वुड लाइव फ्लैट ऑन द वॉटर स्ट्राइक विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ पूल एंड बी सेफ तो दोबारा से वो यही सारा कुछ प्लान करता है हम अपना एक और ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं experience when he goes down for the second time ठीक है तो ये हमारा एक्सपीरियंस है सेकंड टाइम का जो जिसके बारे में वो हमें बताता है लेकिन सेकेंड टाइम के एक्सपीरियंस में भी वो स्ट्रैटेजी अपनी वही पुराने वाली या जो फर्स्ट टाइम की स्ट्रैटेजी थी उसकी वो जो उसने यूज करी थी वो स्ट्रैटेजी वो दोबारा यूज करने वाला है ओके लेट्स रीड अहेड। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली आई ओपन माई आईज नथिंग बट बट वॉटर विदलो ग्लो डार्क वॉटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू सो यहाँ पे वो बताता है दोबारा से जब वो नीचे जा रहा था पूल में ड्राउन हो रहा था तो अगेन उसे बहुत ज्यादा जैसे हमने पहले भी पढ़ा दो लाइक नाइनटी यहाँ पे भी हमें वो बता रहा है आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली मतलब उसे लग रहा था कि कभी खत्म ही नहीं होगा वो कहीं कभी नीचे तक पहुंचेगा ही नहीं वो उसे इतना डीप लग रहा था वो पानी दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसे सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था हर तरफ बट विद येलो ग्लो येलो ग्लो अगेन यहाँ पे वो सनलाइट की बात हो रही है कैसे हल्की सी सनलाइट उसे कैसे ग्लो की तरह दिख रही थी पानी के अंदर डार्क वॉटर दैट नो वन कोड सी थ्रू अब वो इस पानी के के बाहर का कुछ नहीं दिख पा रहा था नीचे पानी के अंदर से बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था उसे बस उसे वो एक येलो ग्लो मतलब जो लाइट पेनिट्रेट कर गई थी उसे बस वो थोड़ी सी दिखाई दे रही थी एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीजड मी टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग टेरर दैट नोज नो कंट्रोल टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु सो so फ्रेंड्स यहाँ पे एक बच्चा जो ऑलरेडी ड्राउन हो रहा है मतलब डूब रहा है नौ फीट पानी के अंदर जिसे स्विमिंग नहीं आती उसने अपनी फीलिंग्स लिखी है यहाँ पर कैसे वो डरा हुआ था टेरराइज मतलब वो इतना डरा हुआ था वो कहता है शेयर मतलब होता है ओनली एंड देन ओनली स्टार्क टेरर स्टार्क मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम टेरर सीज्ड में उस टेरर ने उस डर ने उसे अच्छे से एनवेलप कर लिया या उसे जकड़ लिया टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पे उस डर के अंदर उस सिचुएशन के अंदर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कुछ उसका दिमाग नहीं चल रहा था टेरर दैट नोज नो कंट्रोल ना ही वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था ना ही वो अपने आप को समझा पा रहा था कि सब ठीक हो जाएगा या वो बाहर आ जाएगा तो उस मोमेंट पे वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा डरा हुआ था एंड टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड वो कहता है डगलस कि इतना डर जो उस मोमेंट पे उसके दिमाग में था या उसकी पूरी बॉडी को सीज कर चुका था वो डर वो डर और कोई नहीं समझ पाएगा एक्सेप्ट फॉर द पर्सन जो ऑलरेडी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है तो उस मोमेंट की आपको आप कैसे फील कर रहे थे उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो फीलिंग आपको आज तक याद रहेगी आई एम sure. श्योर तो यहाँ पे भी डगलेस यही बताना चाह रहा है कि वो वाला जो टेरर था वो और कोई नहीं समझेगा एक्सेप्ट फॉर द पर्सन जो ऑलरेडी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है वो इतना डरा हुआ था ओके अगेन आई वॉज श्रीकिंग अंडर द वॉटर श्रीकिंग का मतलब यहां पे बताया जा रहा है कि वो रो रहा था वो चिल्ला रहा था आई वॉज paralyzed अंडर वॉटर स्टिफ रिजिड विद फियर अब पहले भी ऑलरेडी उसकी टांगे नहीं चल रही थी अब वो कहता है आई वॉज पैरलाइज अब वो खुद पूरी उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी रिजिड हो गई थी उसके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे क्यों क्योंकि अब उसे उसके वो डर जकड़ चुका था उसकी पूरी बॉडी को वो उसके अंदर डर बैठ गया था जिसकी वजह से ना उस अपने वो पूरी बॉडी मूवमेंट उसकी स्टॉप हो गई थी इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वो फ्रोजन

इन माई हेड मतलब वो कहते हैं सिर्फ उसे जो अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी उस मोमेंट पे जब वो पानी के अंदर था जब उसके पूरी बॉडी व सो स्टिफ कोई मूवमेंट नहीं थी उस मोमेंट पे उसे अपने हार्ट बीट सुनाई दे रही थी और अपने थ्रॉबिंग ऑफिस हेड सुनाई दे रहा था पाउंडिंग इन माई हेड मतलब उसे कुछ बीटिंग ब्लड बीटिंग की ब्लड सर्कुलेशन चल रही है अभी भी ये दो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी जिसकी वजह से उसे पता चला कि वो अभी भी जिंदा है वो इस सिचुएशन में आ गया था उस मोमेंट पे एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी माय टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। आई जम्प विद वेरी एवरी आई हैड अगेन यहाँ पे हमें पता चलता है दिस इज अगेन टॉकिंग जस्ट अबाउट द सेकेंड टाइम ही इन साइड यहाँ पे वो हमें कहता है कि uh, जब तक वो इस डर के अंदर जकड़ा हुआ था उसे तब भी वो चीज याद थी कि जैसे ही वो बॉटम ऑफ द सर्फेस को हिट करेगा उसे जोर से जम्प करके ऊपर को आना है केम द टच ऑफ रीजन टच ऑफ रीजन मतलब है कि वो ही कु टच द बॉटम या वो बॉटम की तरफ पहुंचने ही वाला था माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैप दम उसके टोज ने फटाफट उस बॉटम को हिट करा और जंप करा दोबारा जैसा उसने सोच रखा था कि मैं वो ही करूंगा जो उसने फर्स्ट टाइम करा था ही जम्प्ट विद एवरीथिंग हीड अब वो डगलेस अपने आप को बचाने के लिए या उस पानी से बाहर आने के लिए उस पूल से बाहर आने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी वो जंप मारने में क्योंकि उसके दिमाग में यही थॉट था कि जैसे ही वो जंप करेगा जंप करके ही वुड अप ऑन द सरफेस, वो सरफेस तक आकर फ्लोट करेगा और फिर वो पैडल करके स्विमिंग पूल के एज पे चला जाएगा यहाँ पे वो कहता है जम्प एवरीथिंग आई हैड नेक्स्ट पैराग्राफ मास ऑफ येलो वॉटर हेल्ड मी वो कहता है फिर उसने जम्प मारी फिर कुछ नहीं हुआ अभी भी चारों ओर उसके पानी ही पानी था मतलब वो पानी से उस नाइन फीट के अंदर ही था अभी भी आई looked फॉर ropes, ladders, water विंग्स इस मोमेंट पे जब उसने देखा second time also टाइम plan फेल्ड तो उस टाइम पे उसको कुछ हेल्प चाहिए थी वो आस पास देख रहा था ना ही कोई रस्सी दिख रही थी ना ही कोई सीढ़ी दिखाई दे रही थी ना ही उसे अपने वाटर विंग्स दिखाई दे रहे थे उसे सिर्फ और सिर्फ चारों ओर पानी दिखाई दे रहा था

उसका डर और ज्यादा बढ़ गया वो और ज्यादा डर गया एंड ही वॉज ही वॉज जस्ट सो स्केय कि वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था वो नम हो गया था बिल्कुल आई शुक एंड ट्रेम बिल्ड विथ फ्राइट माई आर्म्स वुंट मूव माई लेग्स वुंट मूव आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प टू कॉल फॉर मदर नथिंग हैपेंड पे वो कहता है जब वो इस पॉइंट पे ही वॉज ऑलमोस्ट हेल्पलेस नाउ नथिंग हैपेंड उसने बहुत कोशिश करी हेल्प चिल्लाने की या उसने बहुत कोशिश करी मदद मांगने की उसे लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था उस मोमेंट पे अब उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था कोई हेल्प की चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी ही वॉज़ ऑलरेडी चोकिंग उसे सांस वैसे ही नहीं आ रही थी तो इस पॉइंट पे वो कहता है ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प मतलब अपनी मम्मा तक को उसने हेल्प के लिए ट्राई करा बुलाने का लेकिन कुछ नहीं हुआ क्यों कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है उसकी आवाज पानी के बाहर तक भी नहीं जा रही थी ओके लेट्स रीड अहेड एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द येलो वॉटर एटलीस्ट माई आईज वर माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम अब वो कहता है इस पूरे सिनेरियो में फिर से वो इतना ऊपर तक आ गया था कि उसकी आईज और नोज दोबारा से पानी के बाहर तक आ गई थी बट नॉट हिज माउथ फिर भी उसका माउथ पानी के अंदर था एंड दिस फिर वो कहता है देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम मतलब अब थर्ड टाइम ही स्टार्टिंग टू गो डाउन तो हम इसे भी नोट कर लेते हैं when he goes down the third time ठीक है तो ये अब हमें बताएगा कि थर्ड टाइम उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा पानी के अंदर का आई सक फॉर एयर एंड गॉट ओनली वॉटर वो कहता है कि उसे थोड़ी सांस चाहिए थी उसे थोड़ी एयर चाहिए थी बट सिंस हिज होल माउथ वॉज ब्लॉक लंग्स व ब्लॉकड उसे नोज से या माउथ से कहीं से उसे एयर नहीं मिली सिर्फ वाटर ही मिल रहा था द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट वो कहता है वो येलो लाइट भी उसे दिखनी बंद हो रही थी देन ऑल एफर्ट सीज आई रिलैक्स नाउ दिस फॉर द थर्ड टाइम ही कि जब वो तीसरी बार अंदर जा रहा था तो वो कहता है ऑल माई ऑल द सीज्ड वो इतना थक चुका था डगलस वो तीसरी बार अब ड्राउन होने जा रहा था पानी के अंदर जा रहा था द ऑल वो बिल्कुल अपनी उसकी बॉडी मूवमेंट रुक गई थी ही जस्ट रिलैक्सिंग मोड नाउ अब उसे कोई एफर्ट नहीं करना था क्योंकि वो जितनी जान लगाना चाहता था वो लगा चुका था लेकिन फिर भी वो पानी के बाहर नहीं आ पाया था आई इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प Limp का मतलब होता है लाइफलेस मतलब पूरी बॉडी उसकी नम हो गई थी ही वॉज नॉट एबल टू मूव पैरलाइज फील कर रहा था सांस नहीं आ रही थी उसे एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन अब धीरे धीरे उसका ब्लैकआउट हो रहा था ब्लैकआउट मतलब ही वॉज गोइंग गेटिंग अनकॉन्शियस अब वो उस स्टेज में पहुंच रहा था जब वो अनकॉन्शियस होने वाला था इट वाइप आउट फियर नाउ वेन यू आर अनकॉन्शियस आपको कुछ भी फील नहीं होता है यू के नॉट Feel anything, आपके आसपास क्या हो हो रहा है आप आप किस situation में है, when you are getting unconscious, तो आपको you cannot just, आप बस एकदम lifeless हो जाते हैं अब so स को आ रही थी वो यही कहता है कि उसने सारे एफर्ट्स रोक दिया वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था इट वाइप्ड आउट फियर अब उसे डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि डगलस इतना आ, एफर्ट मार चुका था एंड उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था तो अब उसे डर भी नहीं लग रहा था इट इट ओके। आउट टेरर। वॉज नो मोर पैनिक। इट क्वाइट एंड पीसफुल। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप नो नीड टू जम्प टू टायर टू जम्प इट्स नाइस टू बी कैरी जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस tender arms around me tender arms like mothers now i must go to sleep so these are the lines that tell us that now douglas was getting unconscious wo apne us मोड में पहुंच चुका था जब उसे effort नहीं मारना था जब उसे कुछ jump नहीं करना था उसके पास इतनी अंदर energy ही नहीं बची थी कि वो ये सब कुछ भी कर पाएगा तो उसे बहुत ही पीसफुल फीलिंग आ रही थी ड्राउजी का मतलब होता है डोजिंग डोजिंग मतलब आप सोने लगे हैं वैसी वाली फीलिंग और उसे बिल्कुल जेंटल फील हो रहा था पीसफुल फील हो रहा था उसे बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था उसे लगा कि अब वो अब वो, अब वो अपनी मदर के आर्म्स में है जैसे सोने के टाइम पे आप जितना रिलैक्स फील करते हैं डगलस वॉज फीलिंग द सेम उसे एकदम वैसी ही फीलिंग आ रही थी तो Uh, वो बताता है कि दैट आई मस्ट नाउ गो टू स्लीप वो कहता है अब उसे कोई एफर्ट नहीं मारना तो इसीलिए अब वो सोने की तैयारी कर रहा है आई क्रॉस ऑफ लाइफ होता है स्टेट ऑफ बींग कंप्लीटली फॉगोटन ऑन अनोन वो बिल्कुल भूल चुका था कि वो कहाँ है वो क्या कर रहा है किस सिनेरियो में है उसे अब उसका पूरा ब्रेन डेड हो रहा था उसकी बॉडी नंब हो चुकी थी ही वॉज जस्ट

वो प्यूक करता हुआ पाया मतलब उसे ये तब उसे थोड़ा होश आया वेन ही वॉज आउटसाइड पानी से बाहर आ चुका था पुल साइड पे उल्टा करके उसे लिटाया हुआ था एंड ही वॉज जस्ट प्यूकिंग मतलब वो उल्टी कर रहा था और साथ ही साथ उसे ये सुनाई दे रहा था कि कोई उस लड़के पे उस 18 साल के लड़के पे चिल्ला रहा है उसे बता रहा है कि ये बच्चा मरने वाला था तुम्हारी उस बेवकूफी की वजह से तुम्हारी उस प्रैंक की वजह से। सेम आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग आई शुक एंड कैरीड एंड क्राइड वेन आई ले ऑन माई बेड अब वो बताता है थोड़े घंटे बाद वो अपने घर की तरफ घर वॉक कर रहा था तो अपनी वो फीलिंग बताता है हाउ वज ही फीलिंग एक चीज थी दैट ही वॉज फीलिंग वेरी वीक बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था वो बिकॉज वो अपनी इतनी एनर्जी इतना प्रेशर या इतने इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद वो पानी से बाहर निकला था ही वॉज फीलिंग वेरी वीक एंड ट्रेम्बलिंग ऑल्सो उसे बहुत अभी भी डर लग रहा था आई शुक एंड क्राइड आई ले ऑन माई बेड वो अभी तक रो रहा था जैसे ही वो अपने बेड पे जाके लेटा ही दिमाग में वो 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 सब चल रहा था, क्या वो, क्या बीती थी जब वो पानी के अंदर था आई कोंट ईट दैट नाइट फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक वो कहता है वो उस दिन रात को तो खाना ही नहीं खा पाया वो अभी इतना परेशान था इतना डरा हुआ था वो कहता है कुछ दिन तक वो वो डर उसके दिमाग में घूमता रहा उसे डराता रहा वो पूरा एक्सपीरियंस जो उसका मिस एडवेंचर या हैपनिंग उसके साथ हुई वो पूरा हैपनिंग उसके दिमाग में थी एंड उससे अभी भी पूरा डर था थोड़ी सी एक्जर्शन करता था तो उसकी वजह से उसकी तबीयत और खराब हो जाती थी मतलब ट्रेम्बल करते रहते थे उसका पेट खराब हो जाता था कुछ भी हल्की सी एक्सर्शन के बाद ही आई नेवर वेंट बैक टू the आई फियर वॉटर आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड अब वो बताता है कि इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद ही फियर्ड वॉटर अब वो दोबारा कभी भी पुल की तरफ नहीं गया उसे इतना डर उसके दिमाग में बैठ गया था अयर्स लेटर uh, क्या होता है वॉटरफॉल की तरह होते हैं मतलब एक हाइट से पानी गिर रहा होता है जो से कहते हैं। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देवर आई डिड वेदर आई वॉज वीडिंग टीटन

कि कुछ सालों बाद जब उसे इतने ये सब लेक्स में या न में उसे जाने का मन होता था या उसे वहां पर कुछ भी एक्टिविटी करने का मन होता था तो वो नहीं कर पाता था क्यों क्योंकि उसे फिर से वो फ्लैशबैक आता था या उसके दिमाग में अभी भी वो डर था वो डर किस चीज का था जो उसके साथ मिस हुई थी उस वायंसी पूल में तो वो अपना एक्सपीरियंस अभी भी बता रहा है टेरर दैट द पूल कम बैक जैसे ही वो कुछ ट्राई भी करता था उसके मन में या उसके दिमाग में वो ही डर दोबारा आ जाता था इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी वु अगेन उसकी लेग्स और बॉडी मूवमेंट बिल्कुल नील हो जाती थी उसकी बॉडी नम्ब हो जाती थी या पैरालाइज हो जाती थी दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एस दोल्ड बाय इन कैनोज ऑन मेन लेग Fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing. बोटिंग एंड स्विमिंग अब वो बताता है हमें दोबारा से कि कैसे वो हैंडी हो गया था अपने इस फियर की वजह से उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था जैसे ही वो कुछ भी ट्राई करता था किसी लेक में या कोई कैसकेज में कहीं भी वो कुछ फिशिंग करना चाहता था या कोई और एक्टिविटी करना चाहता था उसके दिमाग में वो अपना बचपन का वो फियर दोबारा आ जाता था हिस्स बॉडी वुड अगेन बिकम पैरलाइज और नम तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि कैसे दैट ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय ऑल दिस इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स वो कह रहे हैं डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ केनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग ये सब चीज़ें एक्टिविटीज स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज करके एक, एक इंसान को जो खुशी मिलती है वो डगलेस uh, को नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो डरा हुआ था बिकॉज ऑफ हिज दैट बैड एक्सपीरियंस

उसे एंजॉय करने के लिए एंड टू ओवरकम दिस फियर ये पानी का जो उसका फियर था उसे ओवरकम करने के लिए वो कुछ सोचता है वो कहता है अक्टूबर से उसने डिसाइड करा कि मैं अब इंस्ट्रक्टर के हेल्प से स्विमिंग सीखूंगा दोबारा आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस फाइव डेज अ वीक एंड आर ईच डे मतलब वो हफ्ते के पांच दिन प्रैक्टिस करता था एक एक घंटा रोज इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी अब पूरा हमें बताया जा रहा है कैसे डगलस ने अपना अपने आप को ट्रेन करा या कैसे ट्रेनर की मदद से डगल आई वेंट टू दूल एंड प्रैक्टिस फाइव डेज अंड आर ईच डे द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू पुल देट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल

back and forth back and forth on each trip across the pool a bit of panic seized me each time the instructor relaxed his hold on the rope and i went under some of the old terror returned and my legs froze अभी तक जब वो दोबारा इंस्ट्रक्टर के साथ भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था या दोबारा स्विमिंग सीख रहा था तब भी अ uh, डगलस जैसे ही उसको फील होता था कि इंस्ट्रक्टर ने वो रोप छोड़ दी है एंड दैट ही इज ऑन हिज ओन नाउ उस टाइम पर भी जैसे ही वो छोड़ता था उसके वही डर वापस लौट आता था और उसके पैर जम जाते थे दोबारा इट वाज थ्री मंथ्स बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक स्लैक मतलब टू लेसन मिनिमाइज होना तो वो कहता है कि 3 महीने इट वॉज थ्री मंथस बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक्ट तीन महीने ये सब करते हुए हुए उसके बाद जाकर कुछ ये टेंशन या उसका डर थोड़ा कम हुआ देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वॉटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल सो नाउ द इंस्ट्रक्टर वॉज टीचिंग हिम द प्रॉपर प्रोसेस की पानी के, uh, के अंदर या स्विमिंग करते हुए आपको सांस कैसे लेनी होती है यहाँ लिखा है टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल दैट दैट मीन्स जब आप पानी के अंदर हैं यू डोंट हैव टू टेक इन द ब्रेथ और यू डोंट हैव टू हैल यू जस्ट हैव टू एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल फिर आपको पानी के बाहर आकर कुछ सांस छोड़नी होती है सांस लेनी होती है आई रिपीटेड दिस एक्सरसाइज हंड्रेड ऑफ टाइम्स बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी वेन माई हेड वेन अंडर वॉटर धीरे धीरे उसने ये सब चीज़ें सीखी स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनर उसे सिखा रहा था पहले वो across the, uh, across length उसे एक लेंथ उसे स्विमिंग सिखा रहा था फिर अब वो उसे सांस लेना सिखा रहा था तो धीरे धीरे बिट बाय बिट पीस बाय पीस वो उसे ये सारी टेक्निक्स बता रहा था तो ग्रेजुअली जो उसका वो डर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था बिकॉज उसे अब वो टेक्निक आ रही थी या उसे पता समझ आ रहा था कि वो क्या चीज़ें तक गलत कर रहा था

लेग मूवमेंट करनी थी उसे तब भी उसकी लेग्स वर नॉट रेडी टू मूव अभी भी वो डर उसे कुछ होल्ड बैक कर रहा था बट धीरे धीरे जैसे टाइम हुआ ही एबल टू डू दैट वो अच्छे से कमांड कर गया वो टेक्निक को भी दस पीस बाय पीस ही बिल्ट स्विमर एंड वेन ईच पीस ही पुट देम टूगेदर इन टू एन इंटीग्रेटेड होल इन ही सेड नाउ यू कैन स्विम डाइव ऑफ एंड स्विम दूल स्ट्रोकर को जब उसके ऊपर इतने महीने लगे उसे ये पूरा प्रोसेस अच्छे से सीखने में स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे ट्रेनर ने उसे सब सिखाया एंड नाउ द ट्रेनर टोल्ड हिम की नाउ यू केन ही स्विम ऑन योर और आप ये सारे स्ट्रोक्स भी कर सकते हो आई डेड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड अब वो कहता है डगलस की ऑलदो इंस्ट्रक्टर ने मेरे को ट्रेनिंग देनी छोड़ दी थी क्योंकि इंस्ट्रक्टर को कॉन्फिडेंस आ गया था कि डगलस नोज नाउ हाउ टू स्विम लेकिन डगलस कहता है आई वॉज नॉट फिनिश्ड उसे अभी भी कुछ डाउट बाकी थे कि वेदर ही कैन स्विम प्रॉपरली अभी भी या नहीं सो आई वॉज आई स्टिल ऑफ द ओल्ड बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केर मी अवेल हियर्स टू यू लुक

वो खाली स्विमिंग पूल में जाकर ही स्विमिंग करता है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम फिर से हल्का सा उसे वो डर उसका वापस आता है बट नाउ ही सो कॉन्फिडेंट ही लाफ इट वो उस डर को भगा देता है एंड ही कीप्स ऑन स्विमिंग दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सैटिस्फाइड आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल हैड लेफ्ट अब पूल में उसने अपना डर सारा खत्म कर लिया अपने आप को चेक भी कर लिया टेस्ट ले लिया अपने आप का कि वो खाली पूल में भी अच्छे से स्विमिंग कर पाता है स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड अभी भी उसे कुछ डाउट्स बाकी थे तो सो आई वेंट टू लेक वर्थ इन न्यू हेम्पेयर डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आईलैंड एंड स्वम टू माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आईलैंड I swam the crawl breaststroke side stroke and backstroke only once did the terror return when i was completely when i was in the middle of the lake i put my face under and saw nothing but bottomless water the old sensation returned in miniature i laughed and said well mr terror what do you think you can do to me it fled and i swam on नाउ अब वो विल्डरनेस में चले जाता है पहले तो वो एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट में वो पूल के अंदर अपनी अपने आप को टेस्ट करता है बट अब डगलेस जाकर टेस्ट करता है एक्चुअल नेचर के अंदर ही वांट्स टू एक्सपीरियंस इट तो वो ये सारे आइलैंड्स और लेक्स कवर करता है ही डाइव्स फ्रॉम द डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड ये सारी चीजें और वहाँ पे वो अपने वो स्ट्रोक्स करता है जो उसने सीखे होते हैं ऑल दिस वाइल्ड एक बार दोबारा वो टेरर वापस आता है लेकिन डगल सो कॉन्फिडेंट वो इतने अच्छे से कमांड कर चुका था अपनी स्विमिंग को कि वो उस डर को बहुत ही आसानी से भगा देता है येट आई हैचुनिटी आई हीड वेस्ट वेंट अप दीटन टू कॉनराड मिडोस अप द कॉन्ड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर and camped in the high meadow by the side of the warm lake. The next morning I stripped, dive into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Duke Corpron used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. Abhi bhi after pool mein usne apne aapko test kar liya, fir usne wo wilderness mein apne फिर भी उसे कुछ डाउट से तो वो और ज्यादा थोड़े डिफिकल्ट लेक्स uh, में या और डिफिकल्ट सिनारी में अपने आप को टेस्ट करना चाहता है यू सी हाउ ही इज कॉन्टिन्यूसली चेकिंग हिम सेल्फ कि उसका वो डर अच्छे से निकला या नहीं निकला तो अब वो वेस्ट डायरेक्शन में जाता है वहां पे भी वो ये सब मीडोज एंड क्रीक ट्रेल ये सब जगह पे वो कैंपिंग करता है और वो उस लेक में डाइव करता है

वेरी लाइट वन उसके लिए बहुत मीनिंगफुल और बहुत ही डिफिकल्ट फेज था वो और बहुत उसने अपनी पूरी विल पावर और डिटर्मिनेशन से उसे ओवरकम करा इन डेथ देर इज पीस देर इज टेर ओनली इन द फ्यूर ऑफ डेथ एज रूज न्यू वेन ही सेड ऑल वी है यहाँ पे वो रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट की बात करी गई थी ऑथर की डिस्क्रिप्शन में उसकी बात कर रहा है Roozel क्या कहता था ऑल वी हैव टू फियर फियर इज सबसे ज्यादा डर हमें डर से ही लगना चाहिए एंड डगलस ने उसी डर को ओवरकम कर लिया सो ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ उसने बहुत अपना अपने आप के लिए बहुत एक महान काम करा था सेट से बार फॉर हिमसेल्फ और वो क्या कहता है देर इज इन डेथ देर इज पीस रिलैक्स और पीसफुल फीलिंग आपको सिर्फ तभी आती है लेकिन सिर्फ जब आपको आपको डर 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 होता है है। उस डर से ही आपको डर लगता है. यहां पे इस चीज के बारे में बात करी जा रही है बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस विल टू लिव समाउ ग्रू इन इंटेंसिटी तो क्योंकि डगलेस uh, का पास्ट इतना अच्छा नहीं रहा था डगलेस हैड ऑलमोस्ट डाइड इन दैट इन दैट वाइएमसीए पूल एक्सपीरियंस ही हैड ऑलमोस्ट ड्रॉउन क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट उसे वो चीज भी खाती थी और उसके बाद जो उसके साथ होता रहा ही वाज सो फ्राइटेन्ड कितना डर में जीता था वो उस फियर को ओवरकम करने के लिए उसने ये सारी मेहनत करी थी और ये सारा अपने उसने अपने

सो so, यहाँ पे वो इतना सैटिस्फाई होकर दिस टोन ऑफ़ दिस लास्ट दिसंस so कि वो कहता है कि आई फील वेरी रिलीज मतलब नाउ ही फील्स कि ही फ्री टू डू एनी थिंग अब उसे कोई डर नहीं है अकेले भी वो विल्डरनेस में जाकर स्विमिंग कर सकता है वो कैनोइंग एनी थिंग एंड एवरी थिंग फिशिंग जो सारी चीजें जो सारी चीजें वो पहले करना चाहता था बट नहीं कर पाता था Because of his willpower and determination, fear has overcome his and now he feels very free. So, that was the story of uh, William Douglas. We deep water in deep water. And with this, we are going to end the explanation part. And for the questions part, uh, do watch our next video in which I will be discussing the questions of, related to this chapter. Thanks for watching.